तो ओवरऑल 2025 की मैं बात करूं, मैं बता देता हूं यहाँ पे कि डबल ट्रांजिशन जो है, मतलब आपकी कुंडली में बृहस्पति और शनि एक साथ आपकी कुंडली के नवम भाव को देखेंगे, भाग्य भाव को देखेंगे। तो भाग्य भाव को देखेंगे तो 2025 खुशियों से भरा रहेगा। आने वाला समय आपके जीवन की महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। वर्ष की शुरुआत ही वित्तीय लाभ से हो सकती है। बृहस्पति तीसरे भाव से गोचर आपके जीवन बहुत शुभ परिणाम लेकर आएंगे। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। इस वर्ष आपको मनपसंद कंपनी में नौकरी मिल सकती है। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी इनकम में बढ़ोतरी कर सकती है। रेमेडी के लिए मैं यही कहूंगा, क्योंकि शनि कुंडली के 12वें घर में है, शनि स्तोत्रम कीजिए, शनि का छाया ध्यान कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अंत में ठीक है जी, तो 2025 में मैं बात कर लूं सभी चीजों के अनुसार, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। आपकी कुंडली में जो डबल ट्रांजिशन हो रहा है, कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है, जहां शनि और बृहस्पति दोनों देखेंगे, तो आपको ओकल्ट चीज में सफलता मिल सकती है। आपकी कुछ हिडन प्रतिभा है तो उसको पहचानिए। इस साल आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने पार्टनर के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ, जिसके साथ शादी करना चाहते हैं, उसके भी संयोग इस साल बनेंगे, क्योंकि अष्टम भाव एक्टिवेटेड हो रखा है। तो आपको शनि चालीसा का ध्यान करना चाहिए और भगवान शिव का पंचा स्त्रोतम भी आपको करना चाहिए ओवरऑल। तो फाइनली ग्रह जो है इस तरीके से आपके चार्ट पर रहने वाले हैं। तो आपकी कुंडली में डबल ट्रांजिशन का जो इफेक्ट रहेगा वो कुंडली के सप्तम भाव पे रहेगा। तो शादी तो आपके होने के चांसेस पूरे हैं। तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश पार्टनरशिप आप कर सकते हैं। शनि का द्वितीय भाव से गोचर मई 2025 से आपके लिए कुछ अच्छे महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। आपकी सुख सुविधाओं में और आपके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के चार चांद लगेंगे। कारोबार जगत से जुड़े लोगों के व्यापार में उन्नति होगी। ठीक है जी, मिथुन राशि के नवम भाव में जो गोचर हो रहे हैं वो शुभ होने वाले हैं। इस दौरान आप अपनी उच्च शिक्षा पाने के लिए विदेश जा सकते हैं। रेमेडी क्या करना है, छल कपट और बेईमानी से आपको दूर रहना है। भगवान शिव जी की पूजा करें और हर बुधवार को भगवान गणपति जी का वक्तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व क्रियासु सर्वदा का पाठ करेंगे। ये राधे राधे, और चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब कर। मैं बात कर लूं 2025 की, तो शनि आपके नवम भाव से गोचर करेंगे, राहु आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। सिंगल लोगों के जीवन में शादी की सहनाई पड़ सकती है। ठीक है जी, कुंडली का छठा भाव में डबल ट्रांजिशन का थ्योरी लगेगी, मतलब कि बृहस्पति और शनि दोनों इस घर को एक्टिवेट करेंगे 2024-25 में। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस समय अवधि में प्रॉपर्टी, वाहन या अपने घर के कार्यों के लिए खूब धन आप खर्च करेंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों को लेकर कुछ सावधान रहना होगा। आपके जीवन में अनावश्यक खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। आपको लगेगा आप खूब धन कमा रहे हैं, लेकिन बचत के नाम पर आप कुछ भी नहीं जोड़ पाएंगे। शेयर मार्केट में या किसी भी लुभावनी योजना में निवेश करने से आपको बचना है। उपाय यही करना है, प्राप्त करने के लिए शिक्षा में शिव जी को गंगा जी से अभिषेक करवाइए, शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। करियर में तरक्की होगी और अपने कार्य क्षेत्र में बेवजह की आर्ग्यूमेंट से आपको बचने की मैं सलाह 2025 में देना चाहूंगा। कहिए राधे राधे, चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर डालिए। तो ओवरऑल पूरा का पूरा गोचर इस तरीके से रहने वाला है। तो यहां पे ध्यान रखिए, यह साल आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। 2025 में देव गुरु बृहस्पति दशम भाव से गोचर करेंगे, जिससे आपके नौकरी में सफलता मिलेगी। डबल ट्रांजिशन का इफेक्ट जो है कुंडली के पंचम भाव में पड़ेगा, तो शेयर मार्केट बच्चे का घर, लव रोमांस का है, इसको वो एक्टिवेट कर देगा। 11वां घर भी यहाँ पे एक्टिवेट कहा जाएगा, तो आपको आर्थिक परिस्थिति यहाँ पे मजबूत होने वाली है। आपके लिए बृहस्पति लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं शादी में बन सकते हैं। अगर आपकी पति पत्नी में नहीं बन रही है तो वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको हर कदम फूंक फूंक रखने की आवश्यकता है, लापरवाही नहीं करनी है। पहली बात, अहंकार की भावना को आपको दूर करना होगा। जिद्दीपन स्वभाव को आपको दूर करना होगा। सूर्य देव की उपासना करनी पड़ेगी और सूर्य देव को जल चढ़ाइए। देखिए सोने पे सुहागा आपके ऊपर होने वाला है। तो 2025 के अनुसार यह वर्ष आपके लिए कुछ खट्टा कुछ मीठा रहेगा। थोड़ा सा धैर्य बना रखें, विश्वास कीजिए। आपके निजी रिश्तों के लिए यह समय है, यह साल है, समय दीजिए वहां पे। आपके जो निजी रिश्ते खराब हो रखे हैं उसको मधुर मिठास मिलती हुई 2025 में आपको दिखती हुई नजर आ रही है। कहिए राधे राधे, और चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर डालना रहने वाला है।
और साथ ही साथ आपके चार्ट में देखिए ये एग्जैक्टली में गोचर ऐसा रहने वाला है, ठीक है, जो मैं बता चुका हूं। तो यहां बात की जाए तो अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि वालों के लिए एकादश भाव से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर शुभ परिणाम देने वाला है। डबल ट्रांजिशन थ्योरी आपके चौथे घर पर लगेगी तो फैमिली में बहुत ज्यादा शांति, फैमिली को एक्सटेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। विदेशों से धन कमाने के स्रोत आपके खुलेंगे। केतु का प्रभाव बाल में घर में रहेगा तो खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आप धार्मिक गतिविधियों में लिप्त रह सकते हैं, आप विदेश यात्रा में जा सकते हैं। राहु चूंकि कुंडली के छठे भाव में है तो पैसे के स्रोत बनेंगे और जीवन में शादी की सहनाई की गूंज भी आपको दिख रही है। लव बर्ड्स के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अब सॉल्यूशन की बात कर लें, देखिए धोखा तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, खासकर अपने पार्टनर के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ, ठीक है, सप्तम भाव में, क्योंकि शनि का प्रभाव है। और कैरियर में करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हो सके, क्योंकि बृहस्पति आपके शुभ भाव में चल रहा है, तो आप चंदन का टीका जो है बृहस्पतिवार के दिन लाइए अपने मस्तिष्क पे, अपने सिर के ऊपर, बहुत शुभ कार्य आपके पास होने वाला है। देखिए 19 मई 2025 से राहु आपके छठे भाव से केतु बारहवें भाव से गोचर करेगा, जिसके चलते आप शत्रु पक्ष पर भारी पड़ेंगे, विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए हनुमान जी की चरण पादुका को जरूर स्पर्श करें मंगलवार के दिन, कहिए राधे राधे, और चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब कर डालिए। तो ओवरऑल ये सारा का सारा केतु, जुपिटर, राहु और पाइसिस का पूरा प्लेसमेंट आपके चार्ट में है। तो डबल थ्योरी जो लगने वाली है वो कुंडली के थर्ड हाउस में लगने वाली है, तो आपको इमोशनल ट्रोमा से गुजरना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ सकता है। आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए, कोशिश कीजिए कि व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद ना करें। आपको संतान की सेहत को लेकर परेशानी रह सकती है, आपकी आमदनी में गिरावट आ सकती है, बिजनेस में नुकसान देखने को मिल सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिजनेस चल पड़ेगा आपका। आपको क्या करना है कि बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा लेकर नहीं आना है, लव ब्रेकअप से बचना है। बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो ठाकुर जी की पूजा पाठ कीजिए, माता भद्रकाली की पूजा पाठ कीजिए। और पैसे की कमी हो रही है तो रोज शाम के टाइम शुक्रवार के दिन माता संतोषी और माँ लक्ष्मी के लिए आप घी का दीपक जरूर लगाएं, घर में सुख समृद्धि और शांति होगी। कहिए राधे राधे और चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर डालिए। ग्रहों का गोचर कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है जी। तो आपकी कुंडली में जो घर एक्टिवेट होगा पूरे साल, वो होगा डबल ट्रांजिशन का इफेक्ट रहने वाला है कुंडली के दूसरे घर पर, ठीक है। तो आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है अधिकांश समय तक। नौकरी पेशा लोग अपनी सफलता के झंडे गाड़ेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए यह साल खुशियों से भरा रहेगा, लेकिन शनि की नजर रहेगी, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलना है। ये साल आपको अच्छे पैकेज वाली नौकरी दिला सकता है, आपको विदेशों से भी धन मिल सकता है, खर्चे कम होंगे, लाभ अधिक हो सकता है। आपकी परीक्षा जितनी ज्यादा आप देंगे, मेहनत का फल उतना ही अच्छा मीठा मिलता हुआ नजर आपको आ रहा है। रेमेडी मैंने बताया कि शनि और राहु के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव का स्तोत्र कीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए, रोज 11 बार कीजिए, देखिए सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है जी। मई 2025 में राहु मीन राशि वालों के द्वादश भाव में और केतु छठे भाव में गोचर करेगा, जिसके चलते खर्चों में बढ़ोतरी, पारिवारिक अशांति हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इजाजत दीजिए, नमस्कार, श्री राधे। ओवरऑल अगर मैं बात कर लूं तो यह साल जो है आपके लिए सेहत के मामलों में परेशानी दे सकता है, संतान पक्ष से जुड़े मामलों में आपको दिक्कत हो सकती है। आपकी कुंडली में डबल ट्रांजिट कुंडली के पहले घर पर बन रहा है। आपका व्यापार के माध्यम से कुछ लाभ मिलने की संभावना है इस साल। साल 2025 की अवधि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आने वाली है। आपके रुके हुए काम बनेंगे, आपकी हर मनोकामना इस साल पूर्ण होगी। शुरुआती कुछ महीनों को अगर छोड़ दें तो पिछले साल की तुलना में यह वर्ष आपके जीवन में अच्छे और सुखद परिणाम लेकर आएगा। हर सपना पूरा करने का समय यह आपका है। रेमेडी क्या करनी है, शनि कुंडली के चौथे घर पे हैं तो शनि स्तोत्रम का पाठ कीजिए, शनि देव को, शनिवार को सरसों का तेल या तिल का तेल जरूर अर्पित कीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। आदित्य हृदय स्तोत्रम का भी आप पाठ कर सकते हैं, जिससे जिंदगी में आपकी सुख सुविधाएं आने वाली है।
केतु चूंकि कुंडली के नवम भाव में है तो ध्यान रखिए अपने गुरुओं का मान सम्मान करें, उनकी प्रतिष्ठा पे आंचना आने दें, पिता के साथ ऊंची आवाज में आप बात ना करें। तो ये था आपका सैजिटेरियस। ध्यान रखिए बाकी सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट 2025 में हमने डाल दी गई है, वहां पे जाकर जरूर देखें, अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, श्री राधे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पूरे साल में इस तरीके की कुछ प्लेसमेंट आपकी रहेगी तो क्या प्रभाव आपका होने वाला है। सबसे पहले देखिए डबल ट्रांजिशन थ्योरी आपके चार्ट में कहां लगने वाली है, मतलब कि कुंडली के बारहवें घर पर बृहस्पति भी देखेंगे और शनि महाराज की दृष्टि रहेगी। तो यह साल छोटे बच्चों की किलकारियां आपकी खुल सकती हैं, जिसके आने से आपके जीवन में खुशियां की बरसात हो सकती है, प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है, आप अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने का फैसला कर सकते हैं, आपके जीवन में आलस्य दूर होगा, आप पूरे जोश के साथ काम करेंगे, विदेश गमन के भी योग बन रहे हैं। मई से अक्टूबर तक गुरु छठे भाव से गोचर करेगा, जिसके चलते परेशानियां परिस्थितियां कुछ बदल सकती हैं। इस अवधि में आपको कार्यों में रुकावट आ सकती है। उपाय क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया, बच्चे के लिए आपको जो उपाय बताया है, राहु के बीज मंत्र का जाप कीजिए और काले कपड़ों का त्याग कीजिए। शनिवार के दिन सरसों का तेल और मंगलवार के दिन सरसों का तेल हनुमान मंदिर में शनि मंदिर में जरूर जलाइए। ऐसा करने से किसी भी प्रकार के अनिष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी, हेल्थ में भी आपको सुधार यहाँ मिलेगी। किसी गरीब का मजाक ना उड़ाएं, किसी अपंग का मजाक ना उड़ाएं, सभी की सहायता करें, अच्छे इंसान बनें, क्योंकि आप मकर हैं और मकर वाले अच्छे प्रैक्टिकल होते हैं। कहिए राधे राधे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए। वीडियो में बीच में डिस्टरबेंस अगर आपको किसी चीज की लगी हो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि ये नेचुरल कॉल है। चलिए नमस्कार, श्री राधे। ओवरऑल कुछ प्लेसमेंट जो है आपके चार्ट में ऐसा रहने वाला है 2025 में। सो जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अच्छे मौके मिल सकते हैं, जीवन में अगर बदलाव चाहते हैं तो वो आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। डबल ट्रांजिशन आपकी कुंडली के 11वें घर पे होने वाला है तो आपके मन में नए नए विचारों का आदान प्रदान होगा, आप अपने वर्किंग स्किल से अपने हर प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा कर पाओगे, लोगों के बीच प्रशंसा के आप पात्र बनते हुए नजर आ रहे हैं, आपको एक से ज्यादा माध्यम से धन कमाने का मौका मिलेगा। 2025 आपके लिए शनि महाराज दूसरे घर पे रहेंगे तो आपको एक बार फिर अच्छी मात्रा में धन कमाने का मौका मिलेगा, आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में समर्थ दिखते हुए नजर आ रहे हैं। राहु कुंभ राशि वालों के लिए प्रथम भाव में और केतु सप्तम भाव में गोचर करेगा, जिसके चलते निजी रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ सकती है, तो ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, जल्दबाजी में निर्णय से आपको बचना है और सवेरे उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाना है, शनि देव को छाया दान करना है, कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। किसी प्रकार की वीडियो में त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, और बाकी वीडियो के लिए आप 2025 का प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर देखें। नमस्कार, श्री राधे। और आपका कैसा रहने वाला है, तो पूरा ग्रहों का जो गोचर है वो इस तरीके से आपका होगा, ठीक है जी। और आपकी कुंडली में जो डबल ट्रांजिशन बनेगा वो बनने वाला है कुंडली के दसम घर में, तो दसम घर के परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे, सेहत अच्छी नहीं रह सकती है, नौकरी पेशा लोग अपनी सफलता के झंडे गाड़ेंगे, वैवाहिक जीवन के लिए साल खुशियों भरा रहेगा, आपको अपने जीवन साथी का खूब प्यार मिलेगा, आप एक दूसरे का हर सुख दुख साथ देंगे, जो नए जोड़े हैं वो एक दूसरे से प्यार करेंगे, इज्जत बढ़ाएंगे, फैमिली प्लानिंग के लिए साल बहुत उत्तम है, संतान प्राप्ति के योग हैं, कुछ ही समय तक संतान से जुड़ी किसी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आर्थिक मोर्चे की बात करें तो आपकी इनकम में इजाफा होगा, और जो उपाय मैंने बताए हैं, रेमेडी बताए हैं, वो रेमेडी आपको करनी ही करनी है। तब भी आप भगवान गणेश जी का आवाहन करें, भगवान शिव का आवाहन करें, क्योंकि शनि महाराज सीधे सीधे आपके लग्न में बैठे हुए हैं। इसके अलावा आप दक्षिणा भद्रकाली की भी उपासना कर सकते हैं, तो ये साल जो है आपके लिए ओवरऑल ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। तो लास्ट में मई 2025 से राहु मीन राशि वालों के द्वादश भाव से और केतु छठे भाव से गोचर करेगा, जिसके चलते खर्चों में बढ़ोतरी, पारिवारिक अशांति और किसी बड़े विवाद में आप फंस सकते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है जी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर डालिए, किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, और अपने मित्रों सहपाठियों दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। बाकी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। नमस्कार, श्री राधे।